थोड़ा सा सॉल्ट और डालो ना। बॉडी बना दे तो है नहीं मशीन। बॉडी बनाने तेरे दिन जाए। दोस्तों कैसे हालचाल है, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर नहीं अच्छे हैं तो आज का वीडियो देख के ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे। आज है फ्राइडे और फ्राइडे को हिम्मत 12 बजे घर आ जाता है। हिम्मत जब घर आया तो मैंने और हिम्मत ने खाना खा लिया, क्योंकि कल हमने पास्ता बनाया था तो वही हमारा लंच हो गया। अर्लियर काफ़ी बिजी थी मैं, मैंने एक वीडियो शूट की है एंड उसको एडिट करके अपलोड भी किया है, जो कि है कि कैसे आपको हर दिन ऐसे जीना चाहिए जैसे कि वो आपका आखिरी दिन हो। और अब हम दोनों ने प्लान बनाया कि कहीं पे घूम के आते हैं, क्योंकि बाहर अच्छा मौसम है, सनी है एंड पति लाभ के मिनट। गाइस लुक एट दिस हाउस, कितना प्यारा है ना। इन्होंने अपने घर के बाहर कितनी प्यारी सी ये लाइब्रेरी बना के रखी है। एंड यू आर नेवर टू ओल्ड टू वैकी टू वाइल्ड टू पिक अप अ बुक एंड रीड टू अ चाइल्ड। और लेट्स चेक इट्स अ फ्री लाइब्रेरी। Flowers kitte hain. Looked in the mirror and not seen yourself. Like you got lost somewhere along the way. Good morning sir. मेरे ना सुबह सुबह फेस पे कैमरा नहीं आना चाहिए। Yes. You're looking way too handsome. It's not about handsome or ugly. So you're looking ugly, sir. This, I must say. This Sony camera doesn't deserve me. Doesn't deserve my footage in the morning. Okay, दोस्तों ये बंदा चाय बना रहा है। हजार साल हो गया इसको चाय बनाते हुए, आज तक इसको चाय बनानी नहीं आई। बहु मैं लगता तो ये जान के इदा कर दिया कि तो ये वधिया चाय नहीं बनाना चाहते ताकि थोड़े उत्ते ये बोझ ना पाए ज्यादा। नहीं वधिया की नहीं है इच्चे, इदा ही तो बनाना मैं इवेंट ये लाइक थोड़ी चा स्वादिष्ट नहीं बनी या थोड़े दिल दे विच पाप आ या थोड़ी दिल दे विच नेगेटिविटी ओ पा देंदे हो। तू आप क्यों नहीं अगे लादी? तू तो नु अगे लांदी है, मैं तो सिखन क्यों नहीं दे। सो गाइस बंदे ने पानी डाला है, अब बंदा डालेगा अदरक इलायचियां दा कुटिया होया पेस्ट। कितना का करोड़ हो गए, जितना कटता उतना ही निकलना। ले गुलाब जल ले। तू ही हकीम है गुलाब जल। हुन की करिए। सो आज मैंने सोचा है कि इनके चाय का डॉक्यूमेंट करेंगे कि रॉन्ग कितने होंगे। काम तो सारे सही कर दिया, रॉन्ग कितने होंगे। रॉन्ग ना थोड़े जेड़े फ्लेवर्स है ना, थोड़े जेड़े टेस्टिंग पार्ट आ बड्स। यस ओ काली मिर्च, वाह तेरी काली मिर्च भी पानी हुनी है ताई तेरी या काली काली बन दिया। ओ दालचीनी किदा हर्ब्स दे विच पई है ओए, हर्ब तो हर्ब कड्डन दी। तू की सोचती है की लभी आने हुन लकोली लाल मिर्च भी पा लेंगे तो आ अनारदाना लौंग लौंग लाचिया बाबा जा बना लियो। गाइस देयर इज अ क्यूट हिम्मत, लिटिल बिट सैड क्योंकि हिम्मत के गले में थोड़ा दर्द है एंड हिम्मत फीलिंग नॉट हैप्पी। अपना फेस नहीं दिखाना चाहता वो, पता है कि वो कहना कि मेरा दिन खराब होने और मैं चिल नहीं कर पाऊंगा ज़्यादा। वो इन चीज़ें बनने तक किसी चीज हार दिया पत्ती खंड पाएंगे सर, खंड न्यू जी सुतन ने कि तो रेडी है कोई छे पायो बहु की करन ने खंड पाउन दे छिट्टे पाउन दे बाहर ओते देखो पाए सर ना बणवा आ गए किन्ने पाए मैं गंदा नहीं हुंदा मेरा मुंह साफ यार एक पाओ और फिक्की जी बना दे ते पड़ी जी कैमरे नु पीछे करके देख ला मैं देखन दी
ओए कप छोटे है ना तोड़न ना दियो मेरा डब्बा और जे खुला है ना उठे तक शादी से मुझे तो ये ना टशन ज्यादा कर दिया काम तो डका चला जाओ आ वाला कप पानी का पाया ना एक्टिंग कर देगा तो डोल खा लो अपनी जा और हे बंद करके और थैंक यू मैशर करन दा ही फायदा जी आगे बंद करके आई पढ़ना दे पहले ही आके बंद करके पा देंदे अब जैसे अब इसे राणा लग गए ओके रिजल्ट्स तो मिल रहे हैं सर पानी बुला दे अच्छी होनी है पटीस प्लेट अंडे खीरे एंड एवोकाडो 10 रोटी एंड मैं दाल भी दी सब्जी देसी घ्यो दही एक दाल का डोंगा छोले चौल तो खिचड़ी अरबी की सब्जी आज मैंने बहुत सिंपल ढंग से बनाई है कम ऑयल की क्योंकि पति इतना वर्कआउट करते हैं ज़्यादा फ्राई खिलाएंगे कि फायदा है ना बहू सो गाइस जो मैंने नींबू का अचार बनाया था ना उसमें से नींबू खत्म हो गए और उससे मैंने थोड़े और नींबू ऐड किया पर अभी तक पूरी तरह रेडी नहीं उसी मसाले में मैंने और नींबू ऐड कर दिया पर उसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और डाला था पर ये तैयार नहीं हो रहा था मैंने नवे नींबू पर या फ्रेश नींबू भी बढ़िया थी जरा हो गया ट्रिप टू वॉलमार्ट वाई आई टेल यू सो क्यों आए हैं क्योंकि आपको पता है मेरे पास इकलौते एक कॉन्टेक्ट लेंस बचे हैं एंड उन पर भी ना अजीब सा प्रोटीन जम गया है एंड कल मेरी बहुत ही लंबी चौड़ी क्लास है जिसमें मैं चाहती हूँ जिसमें मैं ग्लासेस नहीं पहन सकती हूँ मेडिटेशन की क्लास है तो उसमें मुझे लेंस चाहिए अगर मैं लेंस नहीं पहनूँगी तो फिर मैं मुझे मेरा गुरु दिखेगा नहीं सो क्या करने वाली हूँ मैं मेरे लेंस को क्लीन करने वाली हूँ वो हाइड्रोजन परऑक्साइड से उसका एक क्लीनर मिलता है जिसमें आप उसको डाल के रखें 6 आवर्स तक
तो आपकी जो कॉन्टैक्ट है वो पूरी तरह चमक जाते हैं, जो भी उनमें प्रोटीन जमा होता है उतर जाता है। सो वो लेने के लिए आई हूँ मैं वॉलमार्ट से। जो मैं लेंस क्लीन करने के लिए प्रोडक्ट की बात कर रही थी वो है ये क्लियर केयर प्लस। इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड है 3%। ये बर्न करके सारा प्रोटीन उतार देता है, सो बहुत इफ़ेक्टिव है और आपके लेंस न्यू की तरह हो जाएंगे और बहुत लाइट फील होंगे। बिकॉज इसमें हाइड्राग्लाइड है तो वो मॉइस्चराइज भी रहेंगे, ड्राई नहीं होंगे। और मेरे फेस के हेयर को रिमूव करने के लिए जो मैं ये यूज़ करती हूँ रेजर्स, ये हाइड्रो सिल्क ब्रांड के हैं, बहुत ही मज़ेदार है, इतना अच्छा रिमूव करते हैं ना। सो यहाँ पे है बहुत सारी खुशबूदार चीज़ें, कैंडल्स एंड ब्लाबला। तो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें इकट्ठा की हैं। एक तो मैंने ये लिया है, मुझे बहुत मज़ेदार एंड छोटा सा क्यूट सा है, इसको आप अपनी किसी भी शू में प्लग करें, इसमें बल्ब लगेगा एंड ऊपर आप कोई सी भी खुशबू मेल्ट करें और आपका घर अच्छा स्मेल करेगा। सो मैंने दो चार लिए हैं, एक तो लिया है ये मून मैजिक एंड अदर चीज़ मैंने ली है ये मिस्टिक, अच्छी खुशबू है इसकी। एंड आई गॉट वन मोर मिडनाइट समर, सो लेट्स सी कैसा लगता है हमें। सो आई गॉट सम चॉकलेट्स फॉर मी, this has been a bad kid. Oh, there is cute me in the camera. Chocolate jaha pasand nahi mujhe par Mars kha rahi main. Nice. Hello. Okay, so main wapas aa chuki hu. So sabse pehle isi ka operation karke isko on karte hain ki kya hai ye. तो हस्बैंड एंड हिम्मत पार्क गए हैं, जब वो घर आएंगे तो उनको मज़ेदार खुशबू मिल जाए और वो पूछे क्या है ये, व्हाट यू डेयर लाइक दैट राइट। ओह इसमें बल्ब ऑलरेडी है, ओके सो कौन सी खुशबू लगाए, मिडनाइट समर लगाते हैं। सो इसे प्लग करके हमें सिर्फ इसके ऊपर एक क्यूब रखनी है ताकि वो क्यूब की खुशबू मेल्ट होके पूरे घर में फैल जाए, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। अब मुझे ना एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि कौन सी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है कौन सी नहीं, तो फिर हमें मिलेगी हमारी पसंदीदा खुशबू। तो समय लगेगा उस चीज़ के लिए बट हम तैयार हैं। सो इसे घर कहाँ पे लगाऊँ, डोर के नज़दीक देखते हो कहीं पे है प्लग, लेट्स सी। वहाँ पे एक प्यारू सा प्लग है, प्यारा लग रहा है वैसे नाइट लाइट की तरह। अगर मुझे अच्छा लगा ना तो मैं घर में और जगह पर भी लगा दूँगी, लेट्स सी कैसी मेल्टो की खुशबू आती है। और हस्बैंड एंड हिम्मत नोटिस भी करते हैं या नहीं, क्योंकि मुझे ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा अलग से कुछ लेके उसमें मेल्ट हो, उससे अच्छा है कि ऐसे नाइट लाइट प्लग इन हो एंड मेल्ट भी हो, अच्छा कॉन्सेप्ट है राइट। सो अगर ये अच्छा काम करेगा तो मैं आपको बताऊंगी, अगर ये फिर आप भी खरीद लेना अपने घर के लिए। सो डब्बे को संभाल के रख लेते हैं फिलहाल, अगर वो काम नहीं करेगा तो रिटर्न भी करना होता है। बहुत बार ऐसे होता है कि मैं चीज़ों के डब्बों को संभाल के रखती हूँ कि अगर वो काम नहीं करे तो फिर आप रिटर्न कर सकते हैं। रिसीट को भी संभाल के रखते हैं। सो अब क्या करें, हिम्मत एंड हस्बैंड का पीछा करें पार्क में या उनको उनके हाल पे छोड़ दें। ओके सो काफ़ी समय के बाद वापस आई हूँ मैं, हस्बैंड एंड हिम्मत आ गए थे, फिर हमने बाहर बैठ के चाय पानी पिया एंड देन हिम्मत को मैंने पिलाया है चिकन नूडल सूप। प्लीज हिम्मत बहुत अच्छा फील नहीं कर रहा तो उसके लिए मैंने बनाया है चिकन नूडल सूप एंड ऑल्सो उसके साथ है टोस्ट, हिम्मत को अच्छा रिलीफ मिलेगा। ब्रेड के साथ, ब्रेड उसको बहुत मुश्किल से मैंने फीड की पर उसने सूप पूरा फिनिश कर दिया और सूप के अंदर के नूडल्स भी। जो चिकन नूडल सूप है वो आपको हेल्प करता है यू नो गले को रिलीफ करने के लिए और हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें अच्छी मात्रा में सॉल्ट एंड सब कुछ होता है। सो हिम्मत इज़ डन एंड हस्बैंड ने भी कुछ खा पी लिया थोड़ा सा पर वो बहुत ज़्यादा नाखुश हैं अपने मील से, क्योंकि वो कहते हैं कि ऐसे मेरी बॉडी नहीं बनेगी। आपको लेके चलते हैं उनके पास कि उनके क्या विचार है। बहुत ज़्यादा रौला पड़ रहा है दोस्तों क्योंकि हिम्मत कोई डायनासोर्स वाला शो देख, पर हिम्मत ने ऑलरेडी रात की दवाई खा ली है। हिम्मत को दवाई खिलाना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि उसको उल्टी जैसे होता रहता है और जो उसने फूड खाया है जो दवाई खाई है वो सारी उल्टी करके निकाल देता है। सो फार वो हो चुका है, हस्बैंड से मिलते हैं उसके बाद हम जाएंगे अपस्टेयर्स एंड लॉन्ड्री को फिनिश करेंगे
आई थिंक एक लोड मैं और धोना चाहती हूँ और जो मैंने सुबह धोया था उसे ड्राई करेंगे. सो फिलहाल चलते हैं हस्बैंड के पास. सर हमने सुना है कि आप अपने खाने को लेके काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे कि आपको खाना नहीं मिला है. क्या आप इसको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा? क्या आप खाना क्या चाहते हैं जो आपको नहीं मिला और आप नाखुश हो गए? क्या चाहते थे इतने वेले हम नहीं है कि आपकी बॉडी के लिए हम मेहनत करें. प्रोटीन जिसने बॉडी बनानी है वो मेहनत करे. तो मैं जिम से मेंट करना तो किचन से मेंट करना. सर 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 यू आर बोजिंग ऑन मी. Go daddy, no, फिर तो वो वेबसाइट वाले अधिकार नहीं है. Go daddy, go, go daddy, go, go, go. बस इतना कर सकती हूँ. मील मूल पे अपनी करने में. उस दिन तो बड़ी शेखियाँ मालूम थी. This is called meal prep. This is called meal prep. मैं करते क्यों नहीं लगा prep? मेरी स्पोर्ट होनी है. मेरी प्लेट्स जाके. Go daddy नाल वो टेक कंपनी दी होनी है. Okay, सो मैं कहूँगी डैडी तू ही कर सकते हैं. तू ही कर सकते हैं. जनरली मैं कर सकता हूं जिम से पूरा जोर आ सकता हूं. हां प्यारी तन्नु मैं खवाना दाल फुलका मसरा मोंगी दी दाल पतली नाल दो फुलके झूठा नहीं पंडे ना बने करो. तू ही कह कि मैं रोटी में खानी नहीं है. पहले तो डिसाइड कर लो तू रोटी खानी है या नहीं खानी. प्यारी मैं ऑलमोस्ट आई एम ऑन दैट पॉइंट दैट आई एम गोना रीच अ वेजिटेरियन डाइट. मैं ऑलमोस्ट वेजिटेरियन हूं. दोस्तों ये मेरे पति हैं. या तो ये इत्थे घर लभते हैं या अपने लिए बूट लभते हैं. फिलहाल ये बूट देख रहे हैं. दो काम आते हैं इनको. या एक घर देखेंगे लोगों के लिए और या अपने लिए जूते देखेंगे. थोड़ा हम चप्पलों देख रहे हैं. कोई और भी कुछ इंटरेस्ट साइड थे कोई हॉबी शॉपी कर लो. चप्पलों देख रहे हैं गाइस. जो उनका शौक है वो पुगाने का है. ओके सो गाइस पुगाने का है. बाय द वे ये घर किसके लिए देखते हैं? ये रियल एस्टेट में जॉब करते हैं. अगर आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या अपना घर ढूंढ रहे हैं तो इनकी मदद ले सकते हैं. ये बहुत अच्छे घर ढूंढते हैं. दो चीजें ये अच्छी करते हैं. घर लभने की और बूट लभने की. अगर आपको बूट लभने की जरूरत है तब भी इनको मैसेज करें. इनका इनका जो सारा ताम झाम है कहाँ पे इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और आपकी छुट्टियाँ जो करता हूँ बुक. यार मैं जबरदस्ती छुट्टियाँ प्लान करते रहते हैं. मैं इनको कभी नहीं कहती कि मुझे छुट्टी पे लेके जाओ. बस छुट्टी प्लान करते रहते हैं. गाइस मेरे हस्बैंड ना दो नहीं तीन काम करते हैं. पहला काम है इनका घर लभना लोगों के लिए या घर बनवाना ब्रांड न्यू या फिर ये अपने लिए ढूंढते हैं जूते. और तीजा जिन्होंने नवा शौक पाला है कुछ सालों से छुट्टियां प्लान करने. इन्होंने ना चार वेकेशन प्लान कर लिए ऑलरेडी. यार मैं कोई प्लान नहीं होता. इनकी टू डू लिस्ट में इन्होंने लिख के रखा है प्लान वेकेशन. इनको मैंने बताया क्योंकि मैं वर्गो में मैंने कहा कि आपको टू डू लिस्ट बनानी चाहिए. उससे पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. इनकी टू डू लिस्ट देख के मैं हैरान रह गई. मुझे लिखा है प्लान वेकेशन की लिस्ट बना के बैठे. चल जा प्यारी तेरी सोनिया खाना खराब हो चल प्यारी.
पति नाम के जो शख्स होते हैं ना उनके साथ ज्यादा बहस बसैया नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको जीतने नहीं देते हैं। तो हम अब जाएंगे बच्चा नाम के शख्स के पास एंड हमारे बचे हुए आज के काम करेंगे एंड देन हम सो जाएंगे जल्दी क्योंकि हमारी जो क्लास है दोनों की वो 7 बजे शुरू होगी एंड सो 7 बजे शुरू होगी, 6 बजे उठेंगे, तैयारी करेंगे, थोड़ा सा खा लेंगे, नहा लेंगे एंड हमारी आई थिंक 9 घंटे की क्लास है कल। काफ़ी लंबा समय है दोस्तों, सो हमें रिलैक्स करना है अब। सो फ्यूचर में आपको ज़्यादा बताऊँगी कि क्लास कौन सी है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था और उसकी प्रैक्टिस करने के बाद मुझे कैसा फील हो रहा है। मे बी ये जो अपडेट होगा मे बी 2 मंथ्स के बाद आएगा आपके पास क्योंकि मुझे 60-70 दिन चाहिए, बहुत लेट है, तब तक आप भूल भी जाएंगे, फिर अचानक से एक दिन सरप्राइज आएगा वो वीडियो का। मुंडे ने तो दर वाला पाया ना, ये तो पता नहीं कि वो थे बंदे आए हुए ऊपर पे। सो गाइस, लॉन्ड्री के ऊपर होने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, आप आराम से अपने कपड़े धो सकते हैं, तैंग करके साथ में क्लोज़ेट है वहाँ पर रख सकते हैं। मैं सोच रही थी फोल्ड कर लूँ पर फोल्ड कर नहीं पाऊँगी मैं क्योंकि ड्राई नहीं हुए अभी और तब तक तो मैं सो भी जाऊँगी। सो कल देखेंगे इनको क्योंकि फिर ना शोर मचता रहेगा सारी रात। ओके दोस्तों, ये है वो बच्चा जिसके बारे में बात कर रही थी, ये पहली बार आया है इस चैनल पे। ओके, ये बच्चा अर्ली जब हम उठे थे तब बहुत अच्छा फील नहीं कर रहा था पर ये बच्चे ने टाइम पे दवाई खा ली, टाइम पे चीज़ें खा ली, विटामिन सी खा लिया, ऑरेंज जूस पी लिया, जो भी हमें करना चाहिए था वो इसने कर लिया, हनी भी खाया था इसने सुबह, हनी वाला वार्म पानी भी पिया था। सो इस बच्चे ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छे तरीके से की है तो ये बच्चा अब काफ़ी अच्छा फील कर रहा है। इसकी इंटरव्यू लेंगे कि एक्चुअल में हाउ ही इज़ फीलिंग नाउ। सो हाउ आर यू फीलिंग नाउ सर? वेट एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। एंड व्हाट वाज द बेस्ट थिंग यू डिड टुडे? Play cricket with my neighbors. Oh, that's nice. You know how to play cricket? So, ऐसे ही हम आपकी लेते हैं इजाजत, आपकी अलविदा, हम आपको मिलेंगे जल्दी ही नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज आर ब्यूटिफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, यू गाइज कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, दैट्स इट, ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी। And also one more thing, guys, live like it's your last day, okay? Bye.